टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ हो इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो पतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी कैसे हो, होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट है लिरिक्स राइटर एंड कंपोजर मिस्टर शशि रंजन सिंह जी। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बड़ी ये जो जी, थैंक यू जी जी। और सर, सबसे पहले आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। एक मतलब इस वर्जन में मैंने अभी जस्ट दो चार लाइन माँ के ऊपर बनाए हैं जी। मेरे मन में आया कि आज मातृ दिवस है जी जी और एक्चुअली एक मेरे माँ सुनना चाहेंगे। कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो चल बसी, तो एक मेरे दिमाग में आया कि भाई एक दो चार लाइन सबके लिए, हम तो सबके लिए हैं, है ना, जी तो उस हिसाब से जी जी मैंने दो लाइन ऐसे ही आया तो मैंने उसको बनाया। जी ओ माँ तेरी याद बड़ी आए, ओ माँ तेरी याद बड़ी आए, ए नैना रोज तुमको ढूंढे, ए नैना रोज तुमको ढूंढे, सपनों में तेरी कदम को चूमे, तेरा चल इस सर पे रहे, ओ माँ ओ माँ ओ माँ तेरी बड़ी याद आए, ओ माँ ओ माँ। तो क्या यही बात हुआ है था, सर। तो मुझे दो चाल इसको मैं बनाया, अभी देखा है खुद, जी उसको जी कंपोज भी किए क्या बात है सर, बहुत जी। ही तो अच्छा मुझे कंपोज किया है और आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है। जी ऑलरेडी मैं, ये माता रानी की कृपा है, उसमें शायद जी सिंगर जो मैं लिखा था वो शायद आपके मध्य से प्रोफाइल में नहीं आपको डाले, कोई बात नहीं है, दो तीसरा जी छिपा जी हुआ तो जो सामने आया है, अच्छा क्यों जी छुपा के जी रखे उसको, है ना, इसके लिए जी थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर। जी। जी, और तो सर, यह मेरे शो जो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं यह जानना एक नाम चाहूंगी कि जी बहुत परफेक्ट है मेरे लिए, 110% है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसका उदाहरण एक बहुत बड़ा मैं आपके सामने हूँ, जी बिल्कुल क्योंकि जब एक नौकरी करने वाला आदमी एक अलग क्षेत्र, कोई उससे लेना देना नहीं है, और वहां जी से यू टर्न होना, आज उसी का परिणाम है, आप लोगों के सामने हूं मैं, जी है जी ना राइट सर, जी बिल्कुल सही कहा है, और सच में आपने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शहर ले जाना चाहूंगी, आपका बचपन कैसा रहा है और किस तरह से आप अच्छा का लेखन के प्रति रुझान, सिंगिंग के प्रति आपका रुझान हुआ।
जी, बहुत बहुत एक मार्मिक क्वेश्चन आपने किया मुझसे। एक्चुअली गाने की बात थी तो मैं ये कहने, मेरे परिवार से किसी का इससे लगाव नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा था तो मेरे नाना जी का उसमें कुछ इफेक्ट मेरे ऊपर आया, तो बहुत बचपन की बात आप कहें तो थोड़ा मैं याद आ गए जी कि साल में एक बार नानी घर जाते थे तो नाना जी को बोलते थे, नाना जी हारमोनियम निकालिए ना, ये गाना सुनाइए ना। जी तो कहते रहे, भाई मेरा नाती आया है, चलो लाओ तो थोड़ा बजाता हूँ। जी तो उनकी जो गाने आए तो उसमें जो है सो हम बहुत एक ही है, तो बार बार वो एक गाना गाते थे, जी बार बार गाना गाते थे, तो वो गाना मेरे दिमाग में बराबर रहता था, है ना। जी तो बड़ी तब दिमाग में आया कि गाना वो बराबर, वो के सहगल के गाना था, जी कुंदनलाल सहगल, जो अभी तानसेन जी को कहा जाता है। तो वो जी लाइन में एक लाइन सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लग जाए। जी जी प्लीज गम पे ए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ए ना जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। क्या बात है, तो जब क्या उनकी बात आवाज को मैं देखा तो कहीं ना कहीं जब उनकी आवाज टैली हो रही है, तो जी फिर सोचा कि एक तो गीत के प्रति, गाने के प्रति रुझान हमारी चल रही थी बचपन से, है जी जी ना। उसके बाद एजुकेशन में आए, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट किए फाइनल, जी मुजफ्फरपुर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की लीची बहुत मशहूर है, शायद आप लोग जानते हैं, पूरे जी भारत ही नहीं वर्ल्ड में मशहूर है। तो वहां से पढ़ाई लिखाई खत्म किए, खत्म करने के बाद जब फिर हमारी शादी हुई जी 1999 में, 2000 मतलब 1999 शादी हो गई हमारी। शादी के बाद फिर सोचे कि भाई जॉब लगी, जॉब भी किए, 2014 में सब जो है सो खत्म किया, क्योंकि नौकरी करना ही नहीं है। बिजनेस में जी आए तो बिजनेस में लॉस्ट हुआ, तब सोचे जी अब क्या करें, फिर मैंने परेशान हो गए, भाई सभी फैमिली है कैसे क्या है। जी तो पटना में जब थे, कुछ ऐसे ही गाना कुछ गुनगुना रहे थे, तो महेंद्र कपूर जी की एक गाने थे, उस पर हम रफी साहब के गाना गा रहे थे, तो मेरी वाइफ बोले कि आपकी आवाज तो महेंद्र कपूर से मिल रही है। बोले क्या बात बोल रही हो, तो बोले जी हाँ बिल्कुल है ना। हरे वो शोक कलियों मुस्कुरा देना, वो जब आए, क्या हरे बात है, वो शोक कलियों मुस्कुरा देना, वो जब आए। तो वाकई में जब उसी को हम अनुभव किए तो लगा जी तो महेंद्र कपूर जी को वाकई सच बोल रही हो, तो है ना। तो यह बात आने लगी, फिर बोली हम वह मन में हम लोग डिस्कस कीजिए क्या करें, बिजनेस में मजा मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ मन ही नहीं लगता था। बोले सीधा आप जी मुंबई निकलिए, उन्हीं उसी का देन है कि मैं यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद उन लोगों को लाइनअप किए, एक लड़का है वो पढ़ाई एम्स की तैयारी कर रहे हैं वो, है ना, और वाइफ को भी, सबको जो उनके मैके वहीं पे सब रहते हैं अपने फिलहाल, अभी वो सब मेरे लिए ही है, तो वक्त की बात है ना। फिर जो है सो हम आगे की ओर कहानी जो है सो अपना शुरू किए, चले आए मुंबई। मुंबई आने से पहले गोरखपुर स्टेशन पर एक फिल्म डायरेक्टर हमको मिले, उनका नाम था संतराम जी, नाम इसलिए याद आ रहा है कि उसी व्यक्ति ने वो बात कहा जिसके कारण मैं राइटर बन गया, राइटर के रूप में आज आया है। तो हम बोले कि ऐसे सर मैं गाना गाता हूँ, कुछ ऐसी कहीं अपॉर्चुनिटी हो तो कुछ बताएं, होता है। हमको बोले कि गाना लिख सकते हैं क्या, अब मेरा दिमाग थोड़ा झल्ला गया कि हम गाना गाने की बात कर रहे हैं, मुझे लिखने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हनुमान जी की चौपाई बराबर से नहीं होता है ना। लेकिन वही मन में हुआ, मैंने हाँ बोल दिया, ना नहीं बोला, हाँ बोल दिया। उसके बाद वहां से मैं निकला मुंबई की ओर, बीच में हम मैहर रुक गए, माँ शारदा भवानी के दरबार में शायद बुलावा था, हम वहां पे गए, हमको दर्शन भी हुए वो, और वहां से जब मुंबई आए, शायद माँ को सत नमन है कि उनकी कृपा बनी है, जो आज गीत जो है सो जब आने लगे, तब मैं यहाँ सोचा कि अब गाना कौन सा लिखूं, गाना तो कैसे लिखाएगा। लेकिन
यही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसके बाद मैंने बिल्कुल एक गाना बनाया, दो गाना बनाया, तीन गाना बनाया, ऐसे करते करते हमारी एक हिम्मत बढ़ती चली गई। हमके लिए सब, मैं इसमें परफेक्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ होते होते मैं गाना सब हम लिखते चले गए, भजनों की सुनिया आई। तो सर से हमारी जो जलोटा सर से जो मुलाकात हुई है 2019 में, हम 16 में आए लेकिन उनसे जो मुलाकात हुई 2019 में हुई। एक मतलब सोनी पटेल है, भोजपुरी की एक्ट्रेस हीरोइन, तो उसको एक आध दो मैं भजन सुनाया कि दीदी मैं भजन, उनको दीदी ही बोलते हैं, दीदी मैं एक भजन लिखा हूँ देखिए ना। उनको बहुत अच्छा लगा, वो बोले कि सर मैं जलोटा सर का नंबर देता हूँ, जाकर ये भजन उनको दीजिए बराबर। तो हम कहे जी भाई अब इतने बड़े आदमी है, हम तो बचपन में कभी जमशेदपुर में, मेरा बॉर्न प्लेस था, मेरा जन्म जमशेदपुर में टाटा नगर, तो हम बचपन में सुनते थे कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन बड़े बड़े लोग गाते थे, हम भी सुनते थे भाई कौन है जलोटा सर, जलोटा सर कौन है, अनूप जलोटा, अनूप जलोटा, ये बचपन की एक याद आई। और उसके बाद जब नंबर मिला, 2 दिन तो बहुत हिम्मत करे कि कैसे सर को कॉल कर, उठाएंगे कि नहीं करेंगे कॉल, कोई तो यहाँ मिलते ही नहीं है सही से, यहाँ तो विचित्र कहानी है। तो बड़ी हिम्मत करके उन्होंने फिर कॉल की, रिमाइंड किया हमको कि सर आप फोन किए, हमको नहीं नहीं क्या आज शाम में करूंगा। ठीक 4 बजे के आसपास मैं सर को कॉल किया, सर तुरंत फोन उठाए, हाल चाल पूछे, हमके लिए सर मैं गाना लिखता हूँ और भजन एक लिखा हूँ कि जल सर मैं आपको देना चाहता हूँ। तो हमको बोले कि व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। हम कि सर व्हाट्सएप पे नहीं, हम आपसे मिलेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे, फिर मैं गाना दूंगा मैं। तो सर का फिर मुझे कल होकर सुबह 9 बजे हम सर को बुलाए, वहां पहुंचे, सर बैठे हुए थे और वह पहला भजन राधा रास बिहारी जो मैंने बनाया, जी तो मुझे अभी भी याद है। और इस भजन को हम खुद गाने जा रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट भजन था मेरा। तो ऐसे जी ही मैं राधे कृष्ण मंदिर इस्कॉन में, आप जानते ही हैं, वहां हम गए, जी तो वहां से लौट के बस स्टॉप पर बैठे हुए थे, उस समय की बात है, 2019 से पहले की गाना लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ तो श्री राधा रास बिहारी, वहां पे लाइन लिखा हुआ है अभी भी। तो जब यह लाइन तो मेरे पास मन में आ गया, गोकुल गिरधारी, उसी समय जो है वहां गए, फटाक से वो गाना बनाए लिखे, उस समय से शायद बाके बिहारी राधा रानी की ऐसी कृपा बन गई और सर का वो आशीर्वाद मुझे लगा। आज भजनों की कतार है, हिंदी सॉन्ग भोजपुरी जिधर भी है, ऑलराउंडर के रूप में हम अब यहाँ तक आए हैं। और बहुत पहले आपसे एक बार दीपक ठाकुर की आपसे जब इंटरव्यू हो रहे थे उस दौरान प्रेजेंट हुए थे हम, लेकिन शायद वो समय था, लेकिन वक्त आया, मेरा सब वक्त अभी आया था कि आज आपने मुझे मौका दिया, सो इसके लिए बहुत थैंक यू, है ना। तो वो भजन था श्री जी राधा रास बिहारी गोकुल गिरधारी, श्री राधा रास बिहारी गोकुल गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी, अब रखियो लाज हमारी गोकुल गिरधारी, गोकुल गिरधारी। तो इस भजन को पहला मैं क्या लिखा बात था और यही भजन मैं सर को जाकर दिए कि सर पहला जी, भजन है यही जो मैं लिखा हूँ सर, मैं आपके पास लाया है ना। और वहां से ओ जो अनवरत चलती रही, जो आज संस्कार चैनल पर भी हमारे गीत लिखे हुए सोमा दीदी गाई हैं, जो बहुत ही मतलब एक, यहाँ तक कि वो लोग काफी संस्कार में, मुझे पता नहीं था कि अब पता चला है कि मेरे जी नाम बहुत चल रहे हैं वहां पे। तो पहला ओ भजन जो है दीदी को 4-5 भजन लेके गए, पसंद किए, जी तो एक भजन उनको, या उसका कंपोज मैं ही किया था, लिखा भी मैं ही हूँ। पहले तो जी सर जो मेरा भजन गाए उसकी बता दूं, जी भजले राधे कृष्ण गोविंद मुरार, मेरी बिगड़ी बनाओ सरकार,
भजले राधे कृष्ण गोविंद मुरा, मेरी बिगड़ी बनाओ सरकार। तो यह भजन क्या सर गाए थे और साथ में उनके साथ जी एक बहुत नन्हा बालक था 13 साल का, वह जी कौस्तुभ कुंज। तो जी वो जब लड़के को मैं देखा, हमके लिए सर के यहाँ कैसे कैसे बच्चे लोग आते हैं गाने के लिए, इतना छोटा बच्चा, लेकिन उसकी जब शास्त्रीय संगीत को पकड़ देखा तो हम तो भाग खड़े हुए। हमके लिए जहां तो मैं हुई ही नहीं है ना, लेकिन हमको क्या मालूम जो पहला भजन उसके साथ सर ही गाएंगे, और पहला भजन उसी के साथ ये गाना भजन जो है गाए, और दूसरा भजन जो है सर ही गाए, वो गाए अजंता सरकार के साथ, जिसे आप जानती हैं कोलकाता है ना, तो उसके साथ भी ये एक भजन गाए, वो था भजन कर ले प्राणी ये 2 दिन की जिंदगानी, भजन कर ले प्राणी ये 2 दिन की जिंदगानी, अंत समय कोई काम ना आए मत कर मनमानी, भजन कर ले प्राणी ये 2 दिन की जिंदगानी। तो सर क्या बात है जो सर, हमको कहीं ना कहीं मेरे जो कलम चली वो अपने जुबान से दिए, आज उनकी आशीर्वाद ऐसी लगी हुई है कि भजन की जो एक रूप है, ये मन में ठान लिया हूं कि भजन की रूप रेखा को बहुत आगे तक हम ले जाने के प्रयास में है। भजन ही नहीं, अभी हिंदी सॉन्ग, अभी उदित नारायण सर के लिए भी गाना अभी देने की तैयारी हो गई है, 2-3 गाने रोमांटिक मैंने लिखा है, वो चल रही है प्रोसेस में, सब गाने बहुत जल्दी जाएंगे। तो सर एक दिन कहे कि शशि जी आपके गाने पद्मश्री ही गाते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ी बात कह दिए, और आने वाले दिन में वो शायद खुशियां मिलेंगी तो आपको जरूर मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी बात आई है सामने, जो 30 दिसंबर को सर मुझे बताए थे उसका इंतजार कर रहा जी हूं मैं, है ना, क्या बात है सर, जी है ना। तो इसके बाद जो और भी कुछ और ज्यादा पूछना चाहे तो बताइए, और क्या बताऊं मैं जी 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 और आपने आगे, पद्म क्वेश्चन श्री अनूप बताइए। जलोटा जी के लिए लिखा है और डॉक्टर जी सुमा घोष जी के लिए भी लिखा है, तो उनके साथ आपका कैसा जी एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा, उनको सोमा दीदी ही मैं बड़ी बहन के समान, आई हैव नो सिस्टर, सो उनको मैं बहन के रूप में मानता हूँ, इज्जत देता हूँ कि बड़ी है ना। तो एक दिन की कोई प्रोग्राम हुआ था कहीं पे, तो किसी और व्यक्ति अग्रवाल जी हैं, उन्होंने हमको पोस्ट किए कि वहां पर शशि जी आप आइए, आपका स्वागत है। तो वहां पे जब गए तो वहीं पे सोमा दीदी से हमारी गोरे गांव में वेस्ट में प्रोग्राम था, तो वहां पे मुलाकात हुआ इनसे, और नंदिनी शरण जी दोनों थे है ना, तो दोनों थे। तो इसी दौरान मैम से हालचाल हुआ और परिचय हुआ, हमको मैम थोड़ा नंबर दीजिए मुझे, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, हमने ट्राई किया जो भी होगा, उन्होंने मुझे नंबर दिया। देने के बाद ऐसे बातचीत थोड़ी होती रही, तो एक और मुलाकात हमारी हुई, उसके बाद हो गया मैं गांव आ गया था, और गांव से जब वापस आए तो संस्कार चैनल के जो संजय मिश्रा जी है उनका नंबर दे दी दीजिए कि आप इनसे बातचीत करते रहें और भजन देते रहें। ठीक जी चलती है ऐसे ही दुनिया, दीदी को गाया जो कुछ गाना गाएंगे, हम कहते मैं भजन लेके आता हूँ, देखिए कौन सा पसंद आता है। तो 3-4 भजन उनको हम वो भजन, उनको एक ओ भजन पसंद आ गया, और भजन माने जी उनको देने से 4 दिन पहले उस गाना को मैंने लिखा था। जी बता क्या बात दे है सर, मेरे श्याम हुआ क्या मुझसे कुसूर, क्यों न श्याम रे क्यों न मिलाए अखियां, न रहो मुझसे दूर हुआ क्या मुझसे कुसूर, क्यों मिलाए अखियां श्याम रे क्यों न मिलाए अखियां। तो यह भजन पहला भजन संस्कार चैनल के लिए दी गई, और जी यह भजन मनोज तिवारी सर के पास जब पहुंचा लंदन में, तो कहे थे राइटर कौन है जितना जी गजब का भजन लिखा है, तो दीदी के पास, दीदी जी हमको
फोन की। शशि जी आपके लिए खुशी की बात है। मुझे क्या, तो ये तो भजन सुनने के बाद लंदन तक है। तो जी फर्स्ट भजन जो निकला था तो मतलब 4 दिन में 1.5 लाख व्यू गया इसका, क्या बात है डेढ़ सर। लाख में 4 दिन में। तो जी वहां से ये भजन आए। उसके बाद जी दूसरा भजन जस्ट अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, जो दीदी गाई थी, वो भी आप सुन सकती जी हैं, संस्कार पर ही है, सुनेंगे उनके नाम से। जी जी तन को धोया मन नहीं धोया, तन को धोया मन नहीं धोया, बीती सारी उमर यारे, प्रभु भजन क्यों जी छोरा रे बंदे, प्रभु भजन क्यों छोरा रे बंदे, अब क्यों ना मिलाए नजरिया रे, तन को धोया मन नहीं धोया। तो क्या हमको बात दीदी है बोले सर। कि शशि जी एक संदेश भजन एक लिख कर दीजिए, तो यह जी भजन दिए तो उनको काफी पसंद आए, तो इस भजन को भी उनसे गवाए बतौर संगीतकार। मैं तो गाना तो लिखते थे, लेकिन बतौर जी कंपोजर के रूप में दीदी ने हमको प्रमोट किए कि सर जो कंपोज कर दिया तो ऑल इन ऑल है। तो फिर कंपोजर के जी रूप में वहां से सर भी मुझे पहले मुहर मार दिए थे, लेकिन उसको जी मानो आगे और दीदी बढ़ा दिए, तो दो हो गए। क्या तो बात है सर। आवाज की दुनिया है तो 5 वर्जन में आवाज चलती है। मेरी आवाज शायद मैं आपको कुछ लिंक भेजा, गणेश भजना जी भजन में जी भेजा हूँ, मेरी आवाज में है। जी जी बिल्कुल बहुत गजानन गणपति जय गणेश देवा, गजानन गणपति जय गणेश देवा। तो यह भजन जो है आप जी भेजे हैं, आप सुनेंगे अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले। और अपने पर्सनल मैं यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ श्याम पिया करके, जी बहुत जल्द, जिसको भजनों की पूरी दुनिया ही रहेगी जी और बहुत आगे उसका वर्क करेंगे। और एक और चैनल होगा जिसको जो है सो भोजपुरी सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग वो अलग वर्जन में जाएंगे, तो उधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। तो इसको जो है करना जी है। जी और जो आवाज के, मैं तो यहाँ सिंगिंग के लिए आए थे, मुंबई आने का मेरा टारगेट सिंगिंग मतलब जी गाने का ही था, लेकिन जब यहाँ पे आए तो देखे रे भाई तो बहुत बड़े बड़े सिंगर लोग हैं, तो हम तो कहीं नहीं है। तो सर को जी बोले कि सर यहाँ तो बहुत बड़े सिंगर, मैं कैसे गाऊंगा सर, कैसे लिखूंगा। सर ने साफ साफ कह दिए, शशि जी आप गॉड गिफ्टेड हैं, जी आपको ज्यादा कुछ यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है। और वह जो हिम्मत आया वह वाकई में है कि सर जो बोले हैं वो परफेक्ट है। जब तक लोग गाएंगे मैं गा के स्टूडियो से निकल जाता हूँ अभी भी, क्या बात है है सर। ना। तो ये बात होती है, जी जी जो भगवान के जिन पर कृपा है उसको कोई क्या रोक सकता है। और बहुत राइट सर। सारे तो एक से एक भजन, एक बहुत अच्छी बात है। और आगे बताएं, आप पूछे सब तो मैं भी बोलने जा रहा हूँ, आपको भी मौका दूं। और आप पूछिए, और क्या क्या पूछेंगे आप, जी नहीं, बहुत ही अच्छा और काम कुछ कर रहे हो। और और सर आपने भोजपुरी में भी लिखा है। जी यस, लिखे भी है और गाए जो चड्डी गाए भी स्पेशल है। भजन लिखा था आपने, श्री कृष्ण चड्डी। जी, हाँ कृष्ण भजन है बराबर। हाँ जी और जी जस्ट एक भजन और जो विवाह एक मंगल गीत। जी, या बिल्कुल, यह जो विवाह गीत जो मैं जस्ट अभी गाया हूं ना, किसी और के चैनल के लिए मैं जी गाया, तो इस गाने जी का भी एक स्टोरी है कि अगला इसका म्यूजिक बनाकर 2 साल से रखे हुए था कि कोई ऐसा गाना मिलेगा जिस पर मैं इसको गवाऊंगा। हम 3 साल जी पहले इस गाना को लिख रखे थे कि इस गाने को मैं ही जी गाऊंगा, ये गाना किसी को नहीं दूंगा। जी और दोनों का मिलन हो गया और ये गाने जो है ऑलरेडी, एक बात और बता देता हूं कि मेरा जो ससुराल हुआ, ससुराल तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह, है ना, जी जी वह सीतामढ़ी है, सीता जी की जो जन्मभूमि है, जी राम सीता के जहां कहते हैं जनकपुर धाम, तो वहां मेरा ससुराल हुआ। तो वहां की भाषाओं से थोड़ी मुझे लगाव रही, जब वहां के वाइफ वाले बच्चे लोग हैं तो सब लोग वहीं से हैं, तो कहीं ना कहीं लगाव रहते हैं। तो इस वर्जन जी में करके इस गीत को मैं लिखा था, हमको शादी का मंगल गीत एक लिखना जरूरी है, तो इस गीत जी को हम गाए हैं। यह गीत जो है बहुत जल्द पीएमओ में जाने वाला है, यह ओह वाह प्रधानमंत्री कार्यालय में गाना पहुंचने वाला है।
वो ब्रह्म ऋषि जी महामंडलेश्वर के एक ऋषि हैं बहुत बड़े, उनको ये गाना ही मुंबई में मुलाकात हुआ था, तो हमको कॉल किया और कहे शशि जी आपका एक गाना मैं वहां तक लेकर जाऊंगा, और रामलीला का मैं, रामलीला होगा मध्य प्रदेश में कोई बक्सी जगह है, कि वहां आपको जी हम स्पेशल बुलाएंगे और यह गाना आपको वहां गाना है। क्या बोले बात क्या है, बात है, कहे जे कितनी बेहतरीन आपने इस गाने को बनाया और कंपोज किया है और कितनी बेहतरीन गा जी दिए हैं। तो सर को भी सुनाए थे गाना, सर सुने हैं, पहले उनसे जी परमिशन लिए, उनसे आशीर्वाद लेके आगे चलते हैं। तो ये जी भजन जी मतलब विवाह गीत बहुत अच्छा है, एक मंगल गीत है, जी जो घर में जो शादियां जिस समय होती है तो उस समय गाए जाते हैं, कि जी घर परिवार के जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं सभी गाते हैं। माई जी है बिल्कुल मंगल गीत सोहावन, ब्राह्मण भावन है, यही गाना है। क्या बात और पूरे गाने को जब आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगी, इसका वर्ड जो है हिंदी भोजपुरी और मैथिली तीनों मिक्स करके मैं लिखा हूं, तो उसका जी, वीडियो भी बना के उसको लॉन्च करें, क्या वीडियो आ बात है जाएगा उसका, सर। वो भी लगा देंगे। तो यह भजन जब गाने गए, हम जी, गाने से पहले आधे घंटा हम रोने लगे, इस गाने में इतनी दर्द है ना, विदाई है, बिटिया की विदाई हो रही है, यहाँ पूरे गाने में मंगल गीत है। तो पहले मैं अपने आप को संभाला कि अब गाना क्या गाएंगे, तो मैंने पूरे भावुक हो गया, फिर बाद में कंट्रोल किए, ओ उसके बाद फिर तीता मैया का नाम लिए, फिर जाकर इस गाने को गाए, जी, है ना। तो यह एक चलती है, तो यह एक गाना बहुत अभी जी लेटेस्ट आया है जी। जी और एक और बहुत गीत ही मैं अभी प्यारा जस्ट गाना रिकॉर्ड, है जी। जी, पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां भी भोजपुरी और हिंदी के जो भी वर्जन के शादी के जो होंगे, वो सभी लोग वो एक आने वाला समय में इस गाना को जरूर सुनेंगे, और बिटिया के शादी में तो बजाएंगे, क्योंकि 9-10 गाने हैं जो अभी और जी करने हैं बिल्कुल शादी सर के, जो अपने चैनल पे करेंगे, बहुत सारे लाएंगे, है ना, करेंगे। जी, और भोजपुरी में एक थोड़ा श्योर एक करते अलग अंदाज हैं में, सर जी अलग अंदाज में एक गाना आएगा। जी। तो जब कहे हैं जो भोजपुरी में, तो दो गाना हम गाए हैं, अभी बहुत सारे गाने हैं आने वाले दिन में। मोबाइल इंटरनेट भइल, जी लव फेसबुक पर सेट भइल, मोबाइल इंटरनेट भइल, लव फेसबुक पर सेट भइल, 10-10 लड़कन से नैना लरवलू, अरे हाई तो हर रेट भइल, मोबाइल इंटरनेट भइल। ये गाना जो है हम गाए हैं, और क्या बात है अल्ट्रा पे सर, ये गाना रिलीज हुआ है, अल्ट्रा पे, अल्ट्रा क्या बात है म्यूजिक पे इस गाने को रिलीज किए थे। जी, क्या बात है तो सर, अभी बहुत जो है, हाँ ही हिंदी अच्छा गाना सॉन्ग है जो सर है, जी हिंदी सॉन्ग जो जी। है उसकी शुरुआत अभी हम नहीं किए हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े सिंगर लोग गा रहे हैं, हमके लिए आप लोग गा जी के थोड़ा थम जाइए, फिर मेरी आवाज हिंदी में बहुत जल्द अभी आ रही है, जब हिंदी में मेरी जी पदार्पण होगी, एक नया रूप देंगे हिंदी हिंदी गाने का, ये नहीं जो जी जी मार्केट में आया और चला गया, वो नहीं, जी हमारे कंपोजिशन जो आएंगे बिल्कुल एक नया, दिल को छू जाए ऐसा भी जी जी उसी, शायद जो आप आपके पास आए हैं, जो जोड़ने वाले करी हैं, ब्रजमोहन शर्मा जी, उनको तो नमस्कार करता हूँ, कहीं वो जरूर मतलब है ऑनलाइन, कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे, हमसे कल बोले थे, तो जी वो एक बहुत बड़ी बात हमसे कहे कि शशि जी आपकी जो लेखनी आती है वह सीधे दिल को टच करता है, और ये जी बहुत बड़ा चीज है कि गाना कोई लिखते हैं, लेकिन वही कहे जो कभी बागेश्वर महाराज जी के बारे में कि शशि जी एक गाना एक ऐसा, तो ऐसे ही बात कल की बात है, इतने जानदार गाने कल मेरे पास आ गए, भजन इतने एक अलग भाव में आए हैं, कि भजन के साथ अभी तो ब्रॉडकास्ट में नहीं कर सकता हूँ, कल ही मैं गाना बनाया हूँ, बिल्कुल अंदाज अलग आया भजन का, कि जी वो भजन सुनने के बाद में एकाएक आया उसके, वो स्फूर्ति आई मुझ में, कि लगा पूरा डबल पावर मुझ में आ गया, इतनी शक्ति थी भजन में, वो भजन मुझे ओ इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, जी ऐसे मोटा मोटी लाइन कह देता हूँ, कंपोज नहीं बताऊंगा, ऐसे बताता हूँ, जी जी उसका लाइन आया है, उड़ते हुए
पवन वेग से उड़ते हुए हनुमान आ गए। पवन वेग से उड़ते हुए हनुमान आ गए, लगता है मेरे घर आज श्री राम आ गए। क्या बात है। सावन की छाई, सावन की बदरिया छाई, सावन की छाई बदरिया, सावन की कैसी बदरिया, ये दिल पे छा गई, लगता है आज मेरे घर घनश्याम आ गए। क्या बात है तो सर। यह जो गाना मैंने लिख दिया पूरा, उसके लिए क्या कंपोजिशन आए इसके, मैंने उनके वाह, हनुमान जी की बात चल जी रही थी, एक बहुत मैंने हनुमान जी के साथ और राम जी और घनश्याम जी न हो तो भजन के दुनिया में अगर हम आए हैं तो शायद जी हमारे जो सर अनुज जलोटा सर है उनकी ऐसी कृपा बनी। अभी तो संडे को मिलके आए हैं, संडे को जस्ट, महीने दो महीने से जी मुलाकात बराबर होती रहती है, वो बराबर हम जाते हैं वहां। जी तो वो भजन जो जब लिख लिए, बहुत सारे भजन और भी भजन आए हैं, जी ऐसी छवि बनी है इस दिल में राम की, क्या बात। ऐसी छवि बनी है इस दिल में राम की, ऐसी छवि बनी हेलो। हेलो। हाँ जी, आई थिंक सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपकी ओर से। हेलो। हेलो। जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो क्या हुआ? सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आई थिंक नेटवर्क इशू जो कि होता रहता है, और शशि जी की बात करें तो इन्होंने काफी जो भजन लिखे हैं और कंपोज किए हैं, पद्मश्री अनूप जलोटा जी के लिए इन्होंने भजन लिखे हैं, डॉक्टर सोमा घोष जी के लिए इन्होंने भजन लिखे, और कुछ भजन खुद भी गाए हैं और भोजपुरी में भी गाते हैं, और बहुत ही जाना माना नाम है और बहुत ही अच्छा काम करे। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई थिंक नेटवर्क इशू है। जी, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच एवरीवन, शायद सर की ओर से नेटवर्क इश्यू है, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Thank you.
करा।